हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। देखिए, नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जिसको बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 4 तारीख को घोषणा की गई है इसकी। ओके, और नाम जो दो हैं वो हैं डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। ठीक है, तो ये दोनों ही साइंटिस्ट जो हैं वो हैं अमेरिका के से। एंड देखिए, इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की थी जैसे कि मनुष्य में जो तापमान और स्पर्श को महसूस करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर अपने हाथ पे चिंगोटी करते हैं तो ये जो हमको सेंसेशन होता है, महसूस होता है, स्पर्श महसूस होता है, उसी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो ये इसको बोला जाता है सोमैटो सेशंस। ओके, तो सोमैटो सेशंस के बारे में अभी देखेंगे हम। तो आगे देख लीजिए, ये क्या है कि ये मेनली जुड़े हुए हैं हमारे आँख से, कान से और त्वचा से। ठीक है, और देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता प्रदान करते हैं ये सोमैटोसेशन जो होता है। ओके, तो सोमैटोसेशन के बारे में देख लीजिए, जो त्वचा होता है या फिर कुछ आंतरिक अंग होते हैं, इनमें जो तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, वो क्या करती है, रिसेप्टर्स के माध्यम से पहचाने जाने वाले स्पर्श, तापमान या फिर शरीर की स्थिति और दर्द की संवेदना के लिए एक सामूहिक शब्द होता है। ठीक है, सिंपली समझने की कोशिश करिए कि ये देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में पूरी तरह से फैला होता है। ठीक है, तो जब भी हमें कहीं स्पर्श होता है या फिर हमें टेम्परेचर महसूस है, या जैसे कि हम धूप में जा रहे हैं या फिर ठंडी के मौसम में, तो वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, उन स्पर्श के माध्यम से, जैसे कि मांस पे जब हम स्पर्श करते हैं, वो सेंसेशन जाता है हमारे तंत्रिका तंत्र में, उसके बाद वो भेज दिया जाता है सीधा हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, तो यही जो सर्किल है, इसी को बोलते हैं सोमैटोसेशन, और इसी के क्षेत्र में दिया गया है ये नोबल का पुरस्कार। और आगे देखिए, कहा जा रहा है कि त्वचा और अन्य गहरे ऊतकों से बहती हुई है। ठीक है, और बाहरी और आंतरिक दुनिया से हमें जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें बाहरी और आंतरिक दुनिया से जोड़ती हैं। जैसे कि आपका एक शरीर समझ लीजिए कि आंतरिक दुनिया है, बाहर से कोई भी चीज़ या फिर हम अपने ही हाथ से अपना हाथ को स्पर्श करें तो बताएगा कि हम बाहरी दुनिया से किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर टेम्परेचर से जो हम महसूस कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब चीज़ें बाहरी दुनिया से हमको कनेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। ओके, और ये कहता है कि यह सब चीज़ें हमें सहजता के बिना अधिक सोचे समझे निष्पादन करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इन सब चीज़ों पे। तो इन्होंने ये इस पे रिसर्च किया, और 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी ध्यान रखिएगा कि वो लीवर को ख़राब करने वाले हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किया गया था। ओके, तो हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो खोज था वो 2020 में था, ये 2021 में आया है। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, डर्मिस एपिडर्मिस के बारे में बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो त्वचा का ऊपरी सतह होता है, यानी कि जो आपका मांस है वो काला, गोरा, भूरा किसी भी कलर का हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, एंड नर्व सिस्टम, देखिए नर्व रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ होता है, ये पीले रंग का जो बना हुआ है ये नर्व रिसेप्टर होता है, ये हर जगह से, देखिए यहाँ मांस से जुड़ा हुआ है। तो आपको जब कोई यहाँ पर टच करेगा तो ये नर्व तुरंत यहाँ से क्या करेगा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करते हैं, इतना जैसे ही आप टच करेंगे वो दिमाग को भेज देता है सूचना कि आपको किसी ने टच किया। ओके, तो और दूसरा ये जो भाग है ये है आपका डर्मिस, ध्यान रखिएगा डर्मिस जो है वो सफ़ेद होता है थोड़ा, ये आपका रंग बदलता है। ओके, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस ही अगर काला होता है तो आदमी काला कहा जाएगा, भूरा हो तो भूरा कहा जाएगा, अलग अलग इसी के रंग बदलने की वजह से आदमी के भी रंग बदलते हैं। ओके, और हाइड्रोपर्मिस यहाँ पे होता है आपका, ये वाला भाग होता है। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ और हैं, ये देखिए स्वीट ग्लैंड है यहाँ पे जो आप पसीने निकालने में काम आता है, उसके अलावा ये लिम्फ वेसल है जो लिम्फ नोड्स भी बोला जाता है, और हेयर्स देखिए कहाँ से उगते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो हेयर जो होते हैं वो डर्मिस का भाग होते हैं, एपिडर्मिस का भाग नहीं होते। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है, अगर इस चीज़ को आप देख रहे हैं तो एपिडर्मिस से निकलता है हेयर। अब यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो है वो कहाँ से दिया जाता है, तो ये करीब होगा
आपका 1.14 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है, ठीक है। तो अब ये डॉलर के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल की वसीयत से जो पैसे आते हैं, ठीक है। 1895 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इस साल यानी कि 2021 में दिया जाने वाला पहला पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो बारी बारी से आते रहते हैं, कभी भी किसके घोषणा हो सकती है। तो इस साल सबसे पहले दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा ये भी बात। एंड पैसा कहाँ से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वीडन से इसका कनेक्शन है। ओके, स्वीडिश आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल।